नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बिहार बीजेपी में चेहरे को लेकर चिंतन जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे ही विवाद की चिंगारियां भड़कने लगी हैं। बिहार के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार ने आज पटना में कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। फौरन बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसका खंडन कर दिया। सवाल है कि आखिर नीतीश लालू के खिलाफ मोदी का ब्रह्मास्त्र चलेगा या फिर नहीं। उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है, हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का सुराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। ऐसा है कि ये गलत समाचार है, मैं तो वहां मौजूद था। बिहार की चुनावी जमीन पर बीजेपी का पासा बिछाने पटना में रणनीतिकार जुटे तो सवाल उठ गया चेहरे का। बगैर सेनापति आखिर पाटलिपुत्र की जंग कैसे लड़ी जाएगी? तो बीजेपी के रणनीतिकार प्रभारी अनंत कुमार ने विवादों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दिया। लालू जी और नीतीश कुमार जी जंगल राज का दुस्वप्न है और उस जंगल राज का दुस्वप्न को बिहार की जनता नकारने वाली है और नरेंद्र भाई नेतृत्व की सुशासन को, विकास को, जन कल्याण को अपनाने वाली। अनंत कुमार का यह बयान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके कद्दावर नेता सुशील मोदी के दिमाग में अनंत विचारों के साथ उमड़ने घुमड़ने लगा। चुनावी जंग में नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी की बिसात पर बात बढ़ती कि सुशील मोदी ने अपनी चाल आगे बढ़ा दी। ये गलत समाचार है, मैं तो वहाँ मौजूद था। अभी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा, ये हम समय आने पर तय करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने, मैं तो वहीं बगल में मौजूद था और जब किसी चैनल ने चलाया तो उसके बाद उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप मेरी ओर से इसका खंडन कर दीजिए। सुशील मोदी का बयान सामने आते ही पटना में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मुकाबले के पार्ट टू को लेकर विवाद पैदा हो गया। विवाद इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव छोड़कर लोकसभा चुनाव के बाद हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे रखा। जाहिर तौर पर अनंत कुमार ने रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी का नाम बिहार में भी आगे किया, लेकिन सुशील मोदी की महत्वाकांक्षा अचानक अनंत कुमार के बयान के भीतरी अर्थ को व्याख्यायित करने लगी। इधर विपक्ष ने साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में बीजेपी मुकाबले से बाहर है, लेकिन चुनौती मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश करने की खड़ी है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि बीजेपी के भीतर सुशील मोदी समेत किसी चेहरे का ऐलान होते ही अंतर्कलह सतह पर फूट पड़ने का खतरा खड़ा हो गया है। कुमार अभिषेक, पटना आज तक। बिहार में सीएम उम्मीदवारी पर बीजेपी में सस्पेंस कायम है। सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या दिल्ली के नतीजों के डर से अब बिहार भी में बाकी राज्यों की तरह बीजेपी सीएम उम्मीदवार घोषित करने से बच रही है? आखिर वजह क्या है? सीएम उम्मीदवारी का ऐलान नहीं कर पा रही है बीजेपी। नीतीश कुमार का नाम आपने मुलायम सिंह जी ने आगे रखा है, हम लोग का कोई मतभेद नहीं है, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, संप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे। जहर का घूट भले ही पिया लेकिन शांति से जनता परिवार ने मुख्यमंत्री उम्मीदवारी का विवाद सुलझा लिया। लेकिन चेहरा चुनने के इसी कवायद ने अब बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। अनंत कुमार बिहार में बीजेपी के चेहरे पर बयान दे रहे थे, बगल में खड़े सुशील मोदी को ये बयान रास नहीं आ रहा था। उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है, हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, सुराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा, ये हम समय आने पर तय करेंगे,
करेंगे नहीं करेंगे। बिहार में बीजेपी के चेहरे का सवाल भभक उठा है, क्योंकि पहले से जिम्मेदारी संभाल रहे भूपेंद्र यादव ने नेताओं के भीतर सुलगती आग बुझाने की चुनौती से अकेले निपट पाने में हाथ खड़े कर दिए। यही वजह है कि अचानक मोर्चे पर अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान को भी लगा दिया गया है, क्योंकि अमित शाह हर हाल में नीतीश और लालू की जोड़ी को जीरो बनाना चाहते हैं। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है। कितने भी गठबंधन कर लो कुछ नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने वाली। ऐसी ही भाषण गर्जनाएं अमित शाह ने दिल्ली चुनाव के वक्त की थी। किरण बेदी का चेहरा आजमाया, लेकिन कोई चेहरा केजरीवाल के सामने दिल्ली को रास नहीं आया। लिहाजा नीतीश कुमार के सामने बीजेपी चेहरा उतारने से पहले 100 बार सोच रही है, क्योंकि अंदरूनी सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने बिहार में बीजेपी को नीतीश की बी टीम बना दिया था। किरण बेदी का चेहरा उतारने की सजा नतीजों में भुगत चुकी है, लिहाजा बिहार में एक गुट नरेंद्र मोदी को ही विकास का चेहरा बनाकर चुनावी रण में उतारना चाहता है, तो दूसरा गुट भी है जो अपनी दावेदारी छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो बिहार की चुनावी जंग के पहले नीतीश लालू ने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए, तो बीजेपी ने भी वोट प्रतिशत बढ़ाने का इंतजाम शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बीजेपी के पाले में खड़े हैं, यानी सिर्फ मोदी के करिश्मे के भरोसे नहीं है बीजेपी, सारे समीकरण ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में दिल्ली में नीतीश कुमार रसीले आम के फलों की पेटियां लेकर घूमे थे। स्वाद लालू मुलायम और राहुल गांधी को चखाया और झट नतीजा पाया कि वो पटना पहुंचे और इधर सीएम उम्मीदवारी का ऐलान खुद लालू ने कर दिया। बिहार के सियासी समीकरणों की इसी गुड़ा गणित में बीजेपी ने भी जीतन राम मांझी का दिल जीता और नीतीश के नहले पर दहला रखने की तैयारी शुरू कर दी। हमने कहा कि हमारा कोई शर्त नहीं, हम मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने अब चुनाव के बाद समझा जाएगा, और जो मेजर पार्टी होगी और जो है अभी, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री उस दल से होना चाहिए, हम भी उसका समर्थन करते हैं। जीतन राम मांझी को एनडीए के पाले में लाने को बीजेपी भावी जीत का संकेत समझ रही। दरअसल बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए में मांझी के आने के बाद बिहार में बीजेपी के मतों में 2-3% की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29.86% वोट मिले थे, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6.5% वोट मिले थे, मांझी को 2-3% वोट मिलने के साथ एनडीए का वोट प्रतिशत 39-40% तक पहुँच सकता है। हालांकि बीजेपी का मत प्रतिशत अभी भी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिले कुल 45% मतों के मुकाबले कम ही दिखाई दे रहा है। हमने तो कह दिया कि सर्वमान्य नेता हैं एनडीए के नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी ABCDEFG जिनको कह देंगे हम नेता मान लेंगे। यानी इंच इंच जमीन पर एक एक वोट बिहार की राजनीति में अहम हो चुका है। ऐसे में बीजेपी को बिहार के चुनावी संग्राम में नरेंद्र मोदी से बेहतर चेहरा दिख नहीं रहा है, जो नतीजों के बाद बिहार के सीएम का फैसला भी उसी तर्ज पर करेंगे जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनावी जीत के बाद उम्मीदवारी का फैसला हुआ। लेकिन बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं का एक गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पहले ही तय हो जाए। सही है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के ब्रह्मास्त्र हैं, लेकिन बिहार में ये ब्रह्मास्त्र कितना काम आएगा जबकि अपने अपने चेहरे लेकर नेता रण में कूद पड़े। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी का अगुवाई नहीं घोषित करेगी बीजेपी तो फिर बिहार में वो नेता कौन है जिसे चुनावी लड़ाई में आगे रखेगी पार्टी? बिहार चुनाव के पहले चेहरा उतारने में बीजेपी के माथे पर पसीना छूट रहा है, क्योंकि सवाल मतों का है, जरा सी बगावत भड़की नहीं कि मतों का झटका लगा नहीं। दरअसल बिहार बीजेपी की सियासत जिन चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है उनमें पहला नंबर सुशील मोदी का है, जो नीतीश के साथ गठबंधन सरकार के साथ डिप्टी सीएम रह चुके हैं। नीतीश के साथ गठबंधन चलाना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन बदले वक्त में यही अब कमजोरी भी है।
नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी के ऐलान के दौर में भी सुशील मोदी कभी नरेंद्र मोदी के अनुकूल नहीं रहे। दूसरा बड़ा चेहरा नंदकिशोर यादव का है, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। छवि बेदाग है, लेकिन जन समर्थन को पार्टी के हक में गोलबंद करने पर सवाल है। अब हर किसी की निगाहें अगले हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बिहार दौरे पर लगी है। माना जा रहा है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर अमित शाह नरेंद्र मोदी को बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अंतिम रिपोर्ट सौंप सकते हैं। कुमार अभिषेक, पटना आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।